नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के सेवन न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं नरेंद्र डूमर पंचायत में। शांति देवी जी चुनावी मैदान में है, मुखिया प्रत्याशी के तौर पर रूबरू कराएंगे आपसे, प्रतिनिधि के तौर पर राम अयोध्या बैठा जी से। इससे पहले ये एक बार वार्ड मेंबर रहे हैं, इनकी पत्नी दो बार वार्ड सदस्य भी रह चुकी हैं। एक इस पिछली बार इनकी पत्नी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हार चुकी हैं और फिर मुखिया के पद पर चुनावी मैदान में है, रूबरू कराते हैं। राम अयोध्या जी, ये बताइए आपका राजनीति में आने का सबसे पहला मकसद क्या रहा और फिर आप प्रत्याशी हैं, मुखिया के दावेदार हैं, क्यों? नरेंद्र डूमर पंचायत के जनता को बार बार हमारा नमस्कार है। बार बार हम लोगों का उनके चरण को धूल चटने के लिए उन लोगों के शरण में हम लोग हाजिर हैं कि जब हम पंचायत चुनाव के मैदान में लड़े हैं, हम हर जनता हमको अपना सहयोग और आशीर्वाद देकर हमको सफल करें। क्या कमियां हैं आपके पंचायत में? हमारी पंचायत में बहुत सी कमियां हैं सर, हमारे पंचायत में बहुत सी कमी है जो कमी को अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में ऐसी ऐसी कमियां हैं, आज तक नली गली योजना नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में आज तक ईटी मिट्टीकरण नहीं हुआ है। आरोप लगा रहे हैं सर? आरोप तो हम लोग नहीं लगाए हैं, आज तक जितना भी काम हुआ है वो अधूरा में अभी तक है। सड़कों का विकास सामने दिख रहा है जी, सड़क का काम भी अभी नहीं हुआ है, जो पीसीसी कार्य में अधूरा है। अभी तक पीसीसी कार्य का आउटन उठ भी गया है और पीसीसी कार्य बंधित में है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए कोई कागजी तौर पर आपने कार्रवाई करी थी? कार्रवाई हम लोग अभी तक कागजी नहीं किए हैं, ना हम लोग अभी सूचना के अधिकार से बहुत सी लोग मांग किए हैं जिसके कोई उधर से अभी तक उधर से जवाब नहीं मिला। आप क्या करेंगे अगर चुनाव जीत के आते हैं? आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे आपके ऊपर भी, क्या सुधार करेंगे? हम जनता के ऊपर सब निर्भर करेंगे। जनता जो इतना ही हरेक गांव गांव में हरेक जगह जगह कर हम लोग मीटिंग सभा कराएंगे, जो सबसे जरूरी काम है उसके लिए करने के लिए हम लोग वहां संकल्प लेंगे, जो वही पहले शुरू किया जाए। आपके गांव में मनरेगा की भी योजना चली होगी, उसमें तो कोई खामियां नहीं होगी फिर? मनरेगा के योजना चले हैं सर, ताकि मनरेगा जेसीबी से काम किया गया है, मजदूरों को लगाया नहीं गया है। अगर जेसीबी से काम हुआ है तो फिर उनको पैसा तो भी नहीं मिला होगा सर? मनरेगा की योजनाएं तो सरकार ने अपने स्तर से चलाई हैं, सबका नाम भी जाता है, सारा काम डिजिटल है, फिर क्यों आप कमी दिखा रहे सर? कमी यही दिखा रहे हैं कि खाते द्वारा पैसा भी उन लोगों को बिना जानकारी हुए कैसे उठ भी जाता है और सबको जो नहीं मजदूरी करते हैं उन लोगों का खाता बन जाता है, जो मजदूर टोकरी ढोता है उसका खाता नहीं रहता। ये बताइए बिना साइन के पैसा उठ कैसे जाता है? अब कैसे मिली भगत होने के कारण कैसे उठता है? बहुत सी मनरेगा को लोग हैं जिनसे पूछा जाता है तो कहे बाबू हम ये नहीं जान रहे कि हमारा पैसा कैसे उठा। बिना साइन के पैसा नहीं उठ सकता है, बिना अंगूठे के पैसा नहीं उठ सकता है। राम अयोध्या जी, आप इंटर तक पढ़ाई भी किए हैं, इसमें दोषी किसको माना जाए? दोषी सर हम लोग अब तो हम जनते को कह रहे हैं कि कैसे वो लोग अंगूठा दे देते हैं कि कैसे नहीं दे देते हैं। दोषी किसको माना जाए? वृद्धा पेंशन योजना भी सरकार ने चलाई है जी, सबको मिल गई होगी? नहीं, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं 60 वर्ष का 65 वर्ष का जिनको वृद्धा पेंशन से लाभ नहीं मिल रहा। आपने अपने पक्ष से किसी का वृद्धा पेंशन योजना दिया? सर हम वार्ड में थे उस टाइम 10-20 आदमी को हम लोग करवाए थे 2010 से लेकर 15 के बीच में। सवाल ये है राम अयोध्या जी की, वार्ड मेंबर को भी हर काम की निगरानी के लिए पंचायत के अंदर दिया गया है, जब आप वार्ड मेंबर के तौर पर रहे तो आपने क्या सुधार किया?
सर हम लोग उस टाइम में फोन नहीं था, जितना फोन था उतना हम लोग काम कराए, बहुत कम राशि मिल रहा था। कहीं कहीं आरोप लगता है कि मुखिया के द्वारा मनमानी की जाती है, वार्ड मेंबर को कोई अधिकार ही नहीं दिया जाता है, जबकि योजनाओं में उसका हर वार्ड में अधिकार बराबर होता है, कितना सच है? सर ये तो बात सत्य है कि जो मुखिया द्वारा वार्ड को बताया भी नहीं जाता है। आप भी वैसा ही करेंगे? वैसा हम नहीं करेंगे सर, हम वार्डों को बैठाकर मीटिंग बैठाकर वार्डों से सलाह और उनसे बात कर तब काम किया जाएगा। आप अपनी योजनाओं को केवल चुनाव जीतने के लिए तो नहीं दोहरा रहे हैं? नहीं सर, चुनाव जीतने के लिए नहीं, हम लोग ये सवाल है सेवा का मौका भी देंगे, हर वार्ड से अपना अपना भूमिका वार्डों पर रखेंगे कि सभी मीटिंग सभा कराकर अपना अपना काम बताएंगे, उसी काम पर हम लोग पहले अपना भूमिका निभाएंगे। मान लीजिए आपको मुखिया बना दिया जाए तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले हम सर रोड का काम करेंगे। सबसे पहले रोड से रोटी तो नहीं मिलती है ना सर? मनरेगा से काम भी चलेगा, मनरेगा से भी रोटी मिल जाएगा, हमारे यहाँ मजदूरा बहुत लोग हैं। आप भी कहीं ऐसा तो नहीं है जेसीबी से काम कराएं? नहीं सर, हम लोग जेसीबी से काम नहीं करा पाएंगे, हम लोग के यहाँ इतना मजदूरा है, हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था सर, हमारे यहाँ औरतें खटने वाली है, जो औरत हमारे साथ खटी थी वो जाकर दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार लाए थे। किस गाँव की थी महिलाएं? महिलाएं यहाँ परसौनी का थी, बिंटोली का थी, या खाल गांव का थी, महारादेवर का भी थी, या हम लोग का गरीबी क्षेत्र है सर। राम अयोध्या जी, आप पर मान लीजिए यकीन कर ले जनता, तो क्या क्या सुधार करेंगे? सर हम लोग यही सुधार कर लें कि हम धांधली नहीं चलने देंगे, कोई घूस घुसौटी के लिए हम लोग लड़ेंगे। आपके अधीन भी बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होंगे, अगर आप मुखिया बन के आते हैं तो तालमेल कैसे बैठाइएगा? सर मुखिया हम लोग बन कर आते हैं तो सभी वार्डों को बैठाकर अपने मीटिंग करेंगे और सभी को अपना अपना अधिकार सौंपेंगे कि जो आपका यही अधिकार है, यह अधिकार आपको भी निभाना है, हमारे साथ एकजुट रहना है। राम अयोध्या जी, शिकायत मिल रही है कि कहीं कहीं आरक्षित जो मुखिया रह रहे हैं उनको दबदबा के तहत दबा के रखा जा रहा है और मनमानी के तरीके से दूसरे लोगों के द्वारा काम कराया जाता है, क्या ये सच है? सर ये हमारे साथ नहीं होगा, हम किसी के दबदबे में नहीं रहेंगे, हम सबको मिला कर रहेंगे, बाकी दबदबे में नहीं रहेंगे, ना हमारा कोई ऊपर से दबदबा करने वाले भी है। आप प्रत्याशी के तौर पर तो नहीं है, आप प्रतिनिधि के तौर पर हैं, दावेदारी आपके पत्नी की है प्रत्याशी के तौर पर जी। निर्भर करता है पर्सनली वो व्यक्ति क्या चाहता है, उनको कैसे समझाएंगे? हम लोग उनसे प्रेम से समझाएंगे बैठा कर, जे हमारे हक अधिकार को आप समझें और अपना हक अधिकार को समझें आप। क्या क्या योजनाएं अधूरी रह गई हैं आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में अधूरी रह गई अभी तक PCC कार्ड अधूरी है सर, और मिट्टी इटीकरण भी अधूरी है। सबके घरों में नल का पानी पहुंच चुका है? नहीं सर, अभी तक 15% 20% अभी तक कहीं पाइप भी नहीं गया है। शिकायतें मिलती हैं बहुत लोगों को, विधवा पेंशन योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है। प्रतिपक्ष के तौर पर आपने कितने लोगों की अब तक मदद की है? सर हम लोग 2-4-10 आदमी को मदद की है, उन लोगों को ले जाकर उन लोगों के आधार से नाम जुड़वाए हैं और उन लोगों का आधार का सुधार कर और उन लोगों को हम लोग सोचे हैं कि जी इन लोगों का लाभ मिले। अगर आपको पंचायत का प्रतिनिधित्व दिया जाए तो आप सबको एक समान देखेंगे अथवा केवल अपने क्षेत्र या अपने वार्ड विशेष की कार्यशैली को अपनाएंगे? सर हम लोग पूरा पंचायत को एक तरह देखेंगे, पूरा पंचायत हमारे प्रेमी और भाई बंधु है सर। शिकायतें मिलती हैं कहीं पे क्षेत्रवाद किया जा रहा है, कहीं पे किसी व्यक्ति विशेष की बात रखी जा रही है, मनमानियाँ भी हो रही हैं, गांव-गांव घूमते कार्यक्रम के तहत ये बार बार पाया भी जा रहा है, आप इसमें क्या सुधार करेंगे? सर जितना मनमानियाँ हो रहा है सब हम लोग बैठ कर सुधार करेंगे, उनको मनमानी नहीं चलेगी, हम लोग सब एकजुट कर जो काम पर हम लोग चढ़ेंगे, एकजुट रहकर हम लोग अपने अपना काम करेंगे। तमाम दावे तो हो रहे हैं लेकिन बाद में ये दावे और वादे झूठे हो जाते हैं, विश्वास कैसे करे जनता आप लोगों पर? जनता विश्वास
ऐसे करेंगे कि जनता ये चुन लेगी कि जे किस आदमी में क्या गुण और अवगुण है। मैं महारादेव वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ। मेरे द्वार पर से ईंट ये थी, सीमेंट बालू गिट्टी छड़ सब गिरा हुआ था और हम लोगों के आगे बना और हम लोगों से घर है वहाँ से आप कुछ दूरी पर एक भी नहीं गिरा और मुखिया जी के घर चला गया। सभी सामान उठाकर मुखिया जी के पीछे आरोप नहीं ना लगा रहे हैं? नहीं सर, हम वो साथ ही है सर, हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, एक साथ हम खेल कूद में रहे हैं उनके साथ, हर चुनाव में उनके साथ रहते हैं। आपके समक्ष ये जनता भी है और हम चाहेंगे कि नरेंद्र डूमर की जनता को भी आपके समक्ष रखें और अगर किसी की शिकायत है तो आपके सामने दिखाने की कोशिश करें। आप सभी लोगों में से किसी को कोई शिकायत है? जो प्रत्याशी रहे उन लोगों ने पूरा काम किया था? नहीं किया था। जो यहाँ हमारा दौर में अच्छा खासा कमाने वाला आदमी है उसका राशन कार्ड बनता है और जो गरीब आदमी है उसका राशन कार्ड बनता ही नहीं है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम परमेश्वर कुमार सिंह है। परमेश्वर कुमार जी, आप कहीं मुखिया जी के पास बैठे हैं, पक्ष की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ मुखिया का किसी का पक्ष की बात नहीं है। ये जीतते हैं, जीतने के बाद सब कोई भुला जाते हैं कि तुम कहाँ के हम कहाँ के, तो फिर कोई भी नेता हो। आखिरकार आपको चुनाव तो करना है। अक्सर देखिए हम लोग बाहर भी रहते हैं, कमाते हैं, हमारी लड़की का बनाना था आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी के पास गया तो बोलती है कि हम नहीं जानते हैं कि आपकी लड़की कहाँ पैदा हुई है। आप बताइए कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं दूसरे जगह 1000 रुपये दे के बनवाया तो इन लोगों से मेरे को क्या फ़ायदा है? अभी 500 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, उसको वोट मिलता है नहीं मिलता है? पैसे की बात है। यहाँ जो धनवान आदमी है उसके पास राशन कार्ड है, हर चीज़ है, जो गरीब आदमी है उस पास कुछ नहीं है। कहीं आरोप तो नहीं है लगा रहे भाई? नहीं आरोप कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ददन बैठा है। ददन बैठा जी, ये बात सच है जी? पैसे भी बांटे जाते हैं जी चुनावों में? चुनाव में अजीब हालात भी दिख रहे हैं गांव के मंजर में। एक तो गरीबी और त्रस्त है जनता, तमाम सवालों का जवाब ढूंढते हैं। राम अयोध्या जी, आपके सामने कई लोगों से आपका मैंने साक्षात्कार सीधा कराया, शिकायतें मिल रही हैं कि कोई आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाता है या बहुत सारी योजनाओं में लापरवाही की जाती है, आप क्या करेंगे इसमें? इसमें हम सुधार करेंगे सर, सबको सुधार करेंगे। हम सब लोगों को जितना जितना पाछे कार्ड पड़ा है उनको हम लेकर मुलाकात हमारी और आपकी 5 सालों के बीच में तो नहीं होगी, केवल फिर 5 साल बाद ही होगी, कैसे यकीन करें आप पर? सर हमारे और आप पर हम भरोसा करते हैं कि जो भी 5 साल में कार्य होगा आपसे हम हर वक्त हर समय आपसे मुलाकात करूंगा, हमारे कार्य काम को आप देखेंगे कैसे किए हैं कि नहीं किए। आप हमको 1 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिएगा, साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिएगा। जी जरूर देंगे हम। फिलहाल जनता का वक्त चल रहा है, गांव-गांव घूम रहे हैं, काफ़ी कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, पक्षकार भी हैं, बातें बता भी रहे हैं। आज भी चुनाव पैसे के मैदान के द्वारा एक तरीके से बांधा जा चुका है, कहीं पर पैसों की लेन देन हो रही है, कहीं कहीं तो शराबबंदी होने के बावजूद भी बातें सामने निकल के आ रही हैं। गांव में आज भी गरीबी है, भुखमरी है, काम उस तरीके से होता है कि सामान पहुंचाने के बाद भी सामान को उठा लिया जाता है। किसको दोषी करार दें, क्या खामियां रहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता का समय चल रहा है, जनता जवाब देगी, हमें भी परिणामों का इंतजार रहेगा। फिलहाल kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kausalmati.com।